हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस मैं हूँ जोनाली और आप लोग देख रहे हैं मेरी चैनल लाइफ ऑफ जोनाली। और गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और रेसिपी है पत्ता गोभी का। और ठंडा का मौसम है, अभी बहुत बारिश के मौसम है, मतलब कल से बहुत ज़्यादा बारिश आया है। और थोड़ा सा चटपटा कुछ तीखा वाला कुछ खाने के लिए, थोड़ा डिफरेंट खाने के लिए मन किया है। तो मैं सोच रही हूँ आज मतलब लंच में मैं एक ऐसा सब्जी बनाऊं जो थोड़ा सा नया भी हो, यूनिक भी हो और मेरा मतलब और थोड़ा सा टेस्टी भी हो। तो ऐसा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरी ये रेसिपी को। और गाइज ये रेसिपी कैसे बनाती हो तो आप लोग फुल वीडियो देख लीजिए गाइज, और वीडियो देख के अच्छा सा एक कॉमेंट कर दीजिएगा। और कोई नया है तो मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं लाइफ ऑफ जोनाली के नाम से। तो गाइस चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी को तैयार करते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा गाइस। तो गाइस देख लीजिए पत्ता गोभी की सब्जी के लिए मैंने ये छोटा साइज का दो पत्ता का भी लिया है और ये एकदम टाइट है, एकदम फुल मतलब पात पूरा खसा हुआ है, पूरा टाइट टाइट पत्ता गोभी है और इसमें टाइट टाइट पत्ता गोभी की जरूरत होता है। और दो ले लिया मैंने टमाटर, दो आलू, ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आलू आपको पसंद नहीं है तो। और इसके बाद ये दो प्याज, इतना मैंने अभी सामान ले लिया। और दिखाते जाएंगे अपने घर के अनुसार जितना लोग होता है उस हिसाब से ये मतलब आइटम बढ़ाना पड़ता है। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या मसाला चाहिए वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, फिलहाल ये मैं रेडी कर लेती हूँ। लेती हूँ अच्छे से आलू और पत्ता गोभी, उसके बाद मैंने उबालने के लिए रख देंगे, पहले धो लेती हूँ। तो गाइस देख लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना है मिर्ची, मिर्ची टमाटर और इसमें प्याज, ये तीनों चीज मैं भी डाल दूंगी। मिक्सी जार में तीनों डालना है मिक्सी जार में, और इसमें क्या क्या चीज ऐड करती है तो वो भी देख लीजिएगा। निकाल दिया ताकि कभी कभी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए।
हम पहले पूरा गोभी से निकाल लेंगे। तेल में ये सब्जी को पकाना है और सब्जी को पकाने के लिए ये तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बस एकदम जी थोड़ा सा ही जीरा, क्योंकि जीरा का पेस्ट भी बना लिया मैंने और बाद में थोड़ा सा और जीरा भी मुझे यूज़ करना है। और ये हरी मिर्च मतलब सूखा लाल मिर्च के साथ ये दोनों मैंने फ्राई कर लिया है, बाकी और कुछ भी फ्राई नहीं करेंगे, बस मसाला डालेंगे डायरेक्ट। जैसे देख रहे हैं मसाला डाल दिया है और आलू का पचीस भी देख लीजिए।
गाइस मसाला वगैरह फ्राई होने के बाद में सब्जी में पानी डालेंगे, और ये गर्म पानी है, सब्जी में गर्म पानी डालना है क्योंकि ऑलरेडी मसाला वगैरह सब पका हुआ है, उसमें ठंडा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने घर में जितना पानी चाहिए, जितना हमें झोल चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया सब्जी में, और एक उबाल आने देंगे। और एक उबाल आने के बाद इसमें मैंने जो बनाया था ना पकौड़ी, वो पकौड़ी में डाल लेंगे। देखिए पकौड़ी भी बोलते हैं, बोरा भी बोलते हैं, सब में तो बोरा बोलते हैं, तो आप लोगों को समझने के लिए अच्छा हो इसीलिए मैंने पकौड़ी बोल दिया। तो इसमें पूरा बोरा डाल दिया और ये भी मतलब अच्छे से उबाल आना है, और इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। और झोल जितना रखना है, जितना ठीक ठीक पसंद करते हैं रोटी के साथ या चावल के साथ, उतना ग्रेवी रखना है। और मुझे ये सब्जी चावल के साथ ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने थोड़ा झोल ज़्यादा ही रख दिया है। और झोल अच्छा लगता है और एकदम मिल जाता है ये सब्जी मतलब बोरा के साथ। तो कुछ इस तरह मैं ये रेसिपी बनाया है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और एक उबाल आने के बाद फिर से ये मेरी सब्जी बनके रेडी हो गया। तो देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, आलू वगैरह भी ये सब मतलब एकदम से अच्छे से उबाल गया है, सब कुछ अच्छे हो गया। और पकौड़ा तो ऑलरेडी मतलब बड़ा ऑलरेडी अच्छे से फ्राई किया हुआ है, और धनिया डाल दिया, मतलब धनिया लास्ट में धनिया ऐड कर दिया, और इसमें घी भी ऐड कर सकते, लेकिन घी का इतना टेस्ट नहीं आएगा, और मतलब धनिया से ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैंने धनिया ऐड कर दिया। आपको जो पसंद है ना वो हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, धनिया हो घी हो जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाएंगे, प्लेटिंग करके भी दिखाएंगे, देख लीजिएगा कितना अच्छा मतलब इतना सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी सब्जी दिख रही है, देखने में खाने के लिए मुंह में पानी आया होगा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी है ये। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। और इसमें भी थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करके मैं गार्निशिंग कर देंगे। तो गाइज मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा गाइज। और ऐसे आप लोग भी बना के खा सकते हैं गोभी की सब्ज़ी, अगर आप लोग नॉर्मल गोभी की सब्ज़ी खा के बोर हो गया है तो ऐसे मेरे ये तरीके से आप लोग बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। और आप लोग ट्राई कर लीजिएगा गाइज रेसिपी को, और मेरी ये रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।